हमें किसी किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, हम कोई चीज मांग नहीं रहे, हम कोई एक्सिस आपसे कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मांग रहे, हम ये बोल रहे हैं जो हम दिवालिया होने जा रहे हैं हमें बचाया जाए। अगर हम दिवालिया हो गए तो आप ये बात समझ लें कि पाकिस्तान भी दिवालिया की तरफ जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी जो भी चलती है वो ताजिर चलाता है या सनतकार चलाता है, सिस्टम ताजिरों और सनतकार के थ्रू चलता है। तो खुदारा फौरी तौर पे, इमरजेंसी तौर पे और घंटों के हिसाब से आप घंटों के अंदर इसका फैसला करें, आप दिनों का टाइम नहीं है हमारे पास। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत की बेशुमार अशिया दरामद करते हैं, जो तकरीबन 1500 से 1600 के करीब आइटम्स हैं और 1500 से 1600 कंटेनर योमिया पोर्ट पर आते हैं। मौजूदा लॉकडाउन की वजह से ताजरों की हर किस्म की नकल अमल पर पाबंदी है, जिसकी वजह से तमाम कंटेनर पोर्ट पर जमा हो रहे हैं, जो कि हमारे पास कुछ दिनों पहले का फिगर था जो कि 20,000 की तादाद थी और आज की जो तादाद है वो सिर्फ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सिर्फ हमें आज ये बताया गया कि सिर्फ एक टर्मिनल के ऊपर 25,000 कंटेनर मौजूद हैं। इन कंटेनर पर टर्मिनल ऑपरेटर की जानिब से डैमरेज और शिपिंग कंपनियों की जानिब से डिटेंशन चार्ज वसूल किया जाता है। अलमिया ये है कि जो चार्जेस दिए जाते हैं डिटेंशन के, वो पर डे एवरेज जो है $150 पर डे लिया जाता है। तो आप सोचें कि 24,000 रुपये पर डे एक कंटेनर के ऊपर इस वक्त डैमरेज डिटेंशन की सूरत में हमसे लिया जा रहा है। अगर इस बांध का हल ना निकाला गया तो कम अज़ कम मैं बहुत मोहताज अंदाज में आपको बता रहा हूँ कि $80,00,000 से लेके $1,00,000 योमिया हमें डिटेंशन चार्जेस अदा करने पड़ेंगे शिपिंग कंपनीज को, और ये बहुत बड़े जरिए मुबादला की शक्ल में मुल्क से बाहर चला जाएगा। सिंध हुकूमत को पता है कि कराची की बेशतर ताजिर तंजीमों ने, बल्कि मैं ये कहूँगा 98% ताजिर तंजीमों ने लॉकडाउन के बाद हुकूमत सिंध की हर बात पर अमल किया है, और जिस तरीके से मुखैर हजरात ताजिर और सनतकार हुकूमत सिंध या फलाही इदारों की मदद कर रहे हैं वो आपके सामने है। हमने कुछ जो कंटेनर हमारे फंसे हुए थे, कुछ अमाउंट हमारे पास मौजूद थी, हमने पिछले दिनों में वो पेमेंटें कर दी हैं बैंकों को, हमने ड्यूटियाँ भर दी हैं बैंक जो कस्टम्स को, और हमारा माल पोर्ट से रिलीज हो चुका है। लेकिन अलमिया ये है कि हुकूमत सिंध उन कंटेनर्स को पोर्ट से लाने की इजाज़त नहीं दे रही। जब तक वो कंटेनर खाली होकर पोर्ट में नहीं पहुँचेगा, हमारे पे शिपिंग कंपनी डिटेंशन चार्ज करती रहेगी, हम एक अजाब की सूरत में, बहुत आप सोच नहीं सकते हमारी परेशानी का हाल, कि हम किस परेशानी में फंस चुके हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब तक वजीर आजम और उनकी फोर्स बैठ के कराची के अंदर ये सारे मामलात को नहीं देखेगी और सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर इशू नहीं होंगे, उस वक्त तक हमारा ना ये बैकलॉग ख़त्म होगा, ना ये लॉकडाउन की पोजीशन ख़त्म होगी, ना ही कोई बंदा सर्वाइव कर सकेगा। हमें अपने मुल्क को बचाना है तो क्राइसिस मैनेजमेंट सेल बना दीजिए और बना के बैठ जाइए, 24 घंटे काम करें। भाई इस्लामाबाद में क्या कर रहे हो बैठे हो, टीवी पे आके आप ऐलान कर रहे हो जी मैं 15 दिन का माफ कर रहा हूँ, आज 15 दिन गुजर गए उनके इस बैन को। इस किस्म का ट्रेड के साथ मजाक ना करें, खेले नहीं।